नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अंशु बली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आपको याद होगा कल मैंने अपने चैनल पर एक खबर लगाई थी। उस खबर के बाद कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के जरिए उस खबर के बारे में अपनी राय दी, कमेंट किए, तो मुझे लगा कि इस खबर पर और खबर बनानी चाहिए, तो मैं आज एक खबर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में उस खबर के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। दरअसल खबर थी एक वरिष्ठ नागरिक रफीक जी का, कल जो मैंने वीडियो आपके चैनल पर लगाया था, जैसे मुझे दिखाया था किस तरह से उनको इसी एक महीने में दो बार उनकी गाड़ी पार्क करने का जुर्माना भरना पड़ा, और वसई विहार में कहीं पे भी पार्किंग जोन नहीं है, उसके बावजूद उनसे एक बार 200 और दूसरी बार 700 इस तरह से 1600 रुपया वसूला गया। तब उस वीडियो में मैंने कई सवाल उठाए थे, उसमें सबसे अहम सवाल ये उठाया था कि क्या गरीब के लिए अलग कानून और अमीरों के लिए अलग कानून है। उसमें सवाल मेरा यह था कि रोड पर कई जगह अस्त व्यस्त तरीके से फोर व्हीलर पड़े दिखाई देते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती, उनको टोइंग नहीं किया जाता, उनको फाइन नहीं मारा जाता है, लेकिन हमेशा टू व्हीलर को फाइन मारा जाता है। तो आज मैं पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ स्टेशन की तरफ हूँ, इस समय अभी मैं वसई स्टेशन पर खड़ा हूँ, लेकिन मैंने 1.5-2 घंटे में अंबाड़ी रोड का और दूसरी जगह का निरीक्षण किया, जो आप कैमरे पर देख सकते हैं वहाँ किस तरह से फोर व्हीलर हर जगह रोड के बीच में अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी है। हालांकि आज संडे का दिन है, लेकिन क्या संडे के दिन ट्रैफिक जाम नहीं होता है, यह सवाल मेरा है। दूसरी बात यह है कि अस्त व्यस्त जो रोड पर वाहन पड़े हैं फोर व्हीलर, उसमें भी कुछ वाहन ऐसे हो सकते हैं जो टाइम पर उन्हें लोग आए, उन्होंने खड़े किए, पार्क किए, क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन अंबाड़ी रोड पर परमानेंट बेसिस पर बेचने के लिए वाहन खड़े किए हुए हैं, उसको बकायदा वाहन का जाहिरात लगाया हुआ है फॉर सेल, उसके लिए पड़े हैं, तो उस पर क्या कभी पुलिस विभाग ने या महानगर पालिका ने कार्यवाही की है? क्या वो उनके महानगर पालिका या पुलिस विभाग के सगे लगते हैं? तो ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है अतिक्रमण खाली करवाया जाए, और जब महानगर पालिका अतिक्रमण नहीं हटवाती और पुलिस जब ट्रैफिक का बहाना करके इस तरह से लोगों का जेब पर लूट करती है और टोइंग का पैसा वसूलती है, तो क्या वो सही है? आप तय कीजिए ये बात। ये एक मुद्दा यही खत्म नहीं होने वाला है, ये टेंशन बनने वाला है, कई लोग इस परेशानी से त्रस्त है। मेरे पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया, कई लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बात कही है कि वास्तव में किस तरह से हैरेसमेंट होता है। रफीक जी की बात करें तो उनको एक ही महीने में एक बार 200 रुपये, दूसरी बार 700 रुपये, इसमें भी बड़ा घोटाला है। जब गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट जब 500 रुपये स्ट्रॉन्ग पार्किंग का चार्ज कर रही है, तो क्यों प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर रखा है और 200 रुपये उसका चार्ज दिया जा रहा है? क्या आम आदमी, क्या गरीब आदमी सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा लुटाने के लिए है? तो ये सवाल बड़े हैं। इस सवाल पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए, और आपके से किसी को अगर प्रॉब्लम है आइए हमारे चैनल पर, हम उसकी अपने चैनल के माध्यम से उसकी बात रखेंगे। जनता की क्या राय है, और ये वीडियो यही नहीं रुकना चाहिए, ये वीडियो एक आवाज बननी चाहिए, एक मिशन बननी चाहिए, कहीं ना कहीं वसई विहार अंतर्गत जो इस तरह से आम आदमी की जेब पर पूरा का पूरा बोझ डाला जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और बिना किसी सुविधा दिए हुए वसई विहार महानगर पालिका वासी पहले ही घरपट्टी टैक्स भरते हैं, अलग अलग तरह के टैक्स भरते हैं, तो क्या महानगर पालिका ने कोई पार्किंग जोन बनाया है? अगर नहीं बनाया तो आप स्ट्रॉन्ग पार्किंग का पैसा क्यों वसूल रहे, यह सवाल बड़ा है। मैंने अभी फोर व्हीलर की बात कही, आप रास्ते पे देख सकते हैं बेतरतीब तरीके से चलने वाले रिक्शा, क्या इनसे तकलीफ नहीं है? क्यों इनके ऊपर कार्यवाही होती, ये पुलिस विभाग बताए। आज के लिए इतना ही, अब इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि लोग जागृत हो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।